वो कहते हैं ना, लाइफ में खुली आंखों से सपने देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही सपने हमें अपने मंजिल के और पास ले जाते हैं। और आज का ये जो वीडियो है, ऐसे ही एक सपने पूरे करने की शुरुआत है। और वो सपना था दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को देखने का, वो भी नज़दीक से। सो हमारे इस सफ़र की शुरुआत हुई हमारे नेपाल के घर से करीब सुबह के 4 बजे। और आज हम जा रहे हैं सलेरी, जो नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में आता है। टाटा मम्मी, बाय बाय। चले चले। जय भोलेनाथ, बजरंग बली की जय, हिरण का मांस की जय। हजुर गुरु कता हो तपाईहरु? तपाईहरु कता हो? म यहाँ वहाँले लिएर आउँदैछु। सोलुखुम्बु आ आइए, ये आ जाओ। तो ये है अपनी टैक्सी जो कि लेके जाएगी अपने को सोलुखुम्बु सलेरी। और सारा सामान हमने सुमो के कैरियर पे लोड कर दिया और निकल चले अगले डेस्टिनेशन पे। और आज का वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए भी गिफ्ट जीतने का मौका है। सो काठमांडू की भीड़भाड़ से आगे कुछ दूर निकलने के बाद नज़ारे और मौसम कुछ इस कदर सुहाना था, मानो कि हम एक अलग ही दुनिया की ओर बढ़े जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में बहती हुई सुनकोसी नदी, मानो जैसे हमें आगे की राह दिखाते हुए हमारे साथ आगे बढ़ी जा रही थी। ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हम लोगों का सनशाइन फूड कैफे एंड स्टॉप भांगा झोली रात माटा। ये है आलू की सब्जी। और यहाँ के मेनू में समोसा और रोटी सब्जी मिलने की खुशी आखिर ओवर ईटिंग पे आके खत्म। तो भाई इंडियन लोगों को अच्छा समोसा नेपाल में मिल जाए तो और चाहिए ही क्या। राइट, तो समोसे की प्लेटें खाली करते हुए चाय की चुस्कियाँ लेते हुए शुरुआत हो गई है हमारी फ्रेंड्स के साथ। एंड लिटिल पग इज हियर। बाबू कितना क्यूट है, इससे भी छोटे होते हैं ना। हेलो बने पछि यो दुई ठाना यो एक ठाना दुईटा सेल मिरर लगा रखे हैं रास्ते में। मंदिर भी है यहाँ पे, जो टेंपल है सोची देवी माता का, जय माता दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ के हाईवे पे ड्राइवर्स को टाइम लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और अगर वो टाइम से पहले क्रॉस करता है तो उनको 5,000 का फाइन भरना पड़ता है। इसलिए हर एक चेक पोस्ट पे उनको टाइम दिखाना पड़ता है। वैसे ये सिस्टम है तो मैनुअली, बट मुझे अच्छी लगी ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। नज़ारों का लुफ्त लेते हुए और करीब 2-3 घंटे चलने के बाद हमने लंच ब्रेक लिया, बट हमारे पेट के अंदर जो हमने समोसे पहले से ओवरलोड कर लिए थे, तो अब तो दाल चावल के लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। गाड़ी में बैठे बाकी लोगों से बात करने पे हमें मालूम चला कि इस रोड का कंस्ट्रक्शन जापान गवर्नमेंट ने करवाया है, और वो देख के ही लग ही रहा था जिस परफेक्शन के साथ ये बनाया गया है। बट कुछ देर चलने के बाद जैसे ही जापान वाला रोड खत्म हुआ, वैसे ही हमें यहाँ की ऑफ रोडिंग का एहसास होने लगा था। काफी ऊंचाई पे आने के बाद अब यहाँ के छोटे छोटे गांव, पुराने कोजी घर और सुहाना मौसम हमारे दिमाग के हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ा रहे थे। सुभैया ने यहाँ पे गाड़ी रोक दी 2 मिनट के लिए लाली गुरांस देखने के लिए, और ये पूरा वैली एकदम ऐसा फ्लावर जैसा बना हुआ है। वी आर लकी टू बी हियर एट दिस टाइम। माय गॉड, दिस इज लाली गुरांस फॉर यू गाइस। ओह माय गॉड। और यहाँ घने बादल
हमारा वेलकम करने के लिए पहाड़ों के साथ हमारा इंतजार कर रहे थे और लाली गुलास के रंग बिरंगे फूलों से भरी ये वादियाँ किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं थे। तो हमने भी सोचा चलो एक टी ब्रेक ले लिया जाए। सो 3 बज चुके हैं, भगवान इंद्रदेव ने भी स्वागत कर दिया आज हमारा यहाँ पे, और अभी चाय टी ब्रेक इस ब्यूटीफुल लवली विलेज, इसका नाम है बेली डंडा। ये है छोटा सा प्यारा सा गांव इन द मिडिल ऑफ माउंटेन। नमस्ते, अच्छा तर न बेटा तर गाउँ न हो, आप नेपाली आउँदैन? नेपाली आउँदैन, विदेशमा जाने हो, बेलडर आउने हो, गफ गर्न हो। चलो आशीष होटल एन्ड लज में खाने को राम्रो व्यवस्था छ, खाजा को लिटिल कोजी कैफे। खाजा में है चना, सब्जी, बकुला पोटैटो, आलू, नॉनवेज लुकला। चलो थोड़ा सा पेट पूजा तो कर लिया जाए। शाम होते होते और करीब 12 घंटों का सफर खत्म करके हम पहुंच गए सलेरी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हम रुक जाए यहाँ पे और कल शुरुआत करें, या फिर अभी नेक्स्ट पड़ाव के लिए निकल चलें जिसका नाम है थामडंडा, जहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू होने वाला था। बट लकीली हमें एक जीप मिल गई और हमने बुक कर ली अपनी सीट। तो खारीखोला थामडंडा के लिए जीप तो मिल गया अपना, ये वाला 3 जन का हो जाएगा। टिकट कितना? 2000 पर पर्सन। चलो फिर अभी निकलेंगे तुरंत। कितनी देर में निकलेगा? 10-15 मिनट। So I think it's a fair deal, guys. So सामान लोड करके हम रेडी हो गए अपने नेक्स्ट एडवेंचरस राइड के लिए। क्यों? ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। गाड़ी में पास वाले भैया से बात करते हुए मालूम चला कि वो ऑलरेडी एवरेस्ट जाके आ चुके हैं और बेस कैंप तो जैसे उनका दूसरा घर ही है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वो एवरेस्ट समिट में एज अ गाइड का काम करते हैं। गाड़ी चालू होते होते हमारी गाड़ी ओवरलोड हो गई थी, क्योंकि 4 जन की सीट पे 7 लोग ऑलरेडी बैठ चुके थे। सो काठमांडू से कहां तक? सलेरी तक का हमारा बहुत एंजॉयबल कंफर्टेबल राइड था। अब यहां से एक्चुअल एडवेंचर ईबीसी का शुरू हो रहा है। सो यू कैन सी द बम्पी राइड एंड यू आर एंजॉयिंग लाइक वी आर एंजॉयिंग इन द फन वर्ल्ड। ब्रेक थोड़ा सा यहाँ पे चाय पानी का। सो फिलहाल टाइम हो गया है 8:15 और अभी का अपडेट ये है कि वी आर इन द मिडिल। जबरदस्त पावर है और जबरदस्त ऑफ रोडिंग है। इतना खतरनाक ऑफ रोडिंग मैंने तो फर्स्ट टाइम ही किया है, और होगा भी क्यों नहीं, जा भी तो रहे चट्टानों की तरफ, माउंट एवरेस्ट की तरफ। ये कौन सा जगह है? ये नाम खस्तब विलेज में है हम लोग अभी, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। सो 10:15 बजी अभी रात की, 2 अप्रैल, and that was a hell of a ride, off-roading बोल सकते हैं। राधा, have you ever done such off-roading before in your life? No, it is the most extreme experience for me till now. More than 15 hours we are on the road. Yes, और अभी जो लास्ट का फायर था बहुत ज़्यादा, वो जो है off-road था बहुत, एक्चुअल में रोड ही नहीं है ये, ऐसा प्रोसेस चल रहा है रोड बनाने का, और जो बहुत ज़्यादा बम्पी था, फॉग था, बहुत ज़्यादा दिख ही नहीं रहा था। सो द स्पीड वॉज हार्डली 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं इस गांव में, अंधेरी खोला। दिस इज आर व्हीकल, ये जो है टी हाउस है।
इसी में आज रुकेंगे, फिर कल सुबह चालू होगी 4 बजे जर्नी आगे की। अभी थोड़ा बहुत खाना खाएंगे यहाँ पे, पहले चलते हैं, बाकी डिटेल में शेयर करता हूँ आपसे। इस टी हाउस में एंटर होते ही हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला। इससे बचने के लिए लोशन पानी और गर्म पानी, समझ गया, नशा पानी, नशा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। ये बैग की वजह से राधा का मुंह चढ़ गया, बट दिस हैपेंस, पूरा बैग गीला हो गया। बड़े बड़े ट्रैक पे छोटी छोटी बातें होती रहती है, छोटी छोटी बातें। फिलहाल तो ये कि खाना भी नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, अभी जो है मान लीजिए रेडी फ्रेश कुक बन रहा है। आई नो दिस साग इज पातेज राइट, बट ये दूसरा लीफी वेजिटेबल है, ये धनिया है, मोमो एंड दिस इज टी हाउस किचन राइट। तो हमारे लिए डिनर बन रहा है, डिनर 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 बन रहा है, राइस एंड दाल, दाल भात पावर 24 आवर। फाइनली आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे डिनर आ चुका है अपना, चावल सब्जी आलू समथिंग लाइक चटनी, आज तो यही है। मैम का रूम नो स्पेशल है, चलेगा, सोने का है ना बस, इसमें तो दो ही लोग सोएगा ना, हम लोग तीन है। तो भाई अर्क भाईसँग सुत्नुहुन्छ है, अनि दुई बहिनी सिस्टरहरूले यहाँ सुताइदिन्छ है, सिस्टरले यही सुता, उ भाइका सँग सुइना उदा। ओ सो दिस इज द बेड फॉर टुनाइट, लिटिल एंड कोजी। यस सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, नेक्स्ट कमिंग 20 डेज वी आर गोइंग टू स्पेंड इन नाइट, राइट सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, यू आर कमिंग टू एवरेस्ट बेस कैंप राइट, यस एंड बी हैप्पी ऑलवेज, यस तो आज का दिन काफी लंबा रहा, लेकिन ट्रिप का असली एडवेंचर तो अभी बाकी है यार। तो जुड़े रहिए इस एडवेंचरस सीरीज में हमारे साथ, और हम आपको शेयर करवाएंगे एवरेस्ट बेस कैंप की। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना, अपनी राय और अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा प्यार शेयर बटन को, और आपके लिए भी हमारे पास कुछ स्पेशल गिफ्ट है, वो भी सुन लो। सो ये सारे मैग्नेट्स यहाँ पे हम लोगों ने परचेस किए हैं, इसमें से 5 मैग्नेट्स ऐसे होंगे जो कि हमारे व्यूअर्स को मिलेंगे, जो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, कमेंट और लाइक करते हैं। तो इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ हमारी एवरेस्ट सीरीज के सारे वीडियोस पे कमेंट करना है, कोई भी एवरेस्ट रीजन की सिटी का नाम या एवरेस्ट रिलेटेड कोई भी आपको कमेंट करना है, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, और हम आपको ये मैग्नेट डायरेक्टली आपके घर पे कूरियर करेंगे।